इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बड़ी खबर में आज बात करेंगे एक ऐसे कनेक्शन की जिस कनेक्शन से कई बार पुलिस आंखें बंद की हुई सी मालूम पड़ती है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक विदेशी नागरिक पकड़ा गया, उसके पास से 36 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख के आसपास रही होगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कोई विदेशी नागरिक पकड़ा गया है इस तरह से ड्रग्स की तस्करी करता हुआ। इससे पहले भी पकड़े गए हैं लेकिन इस बार जब वो नागरिक पकड़ा गया उससे जो इंटरोगेशन हुआ उसमें खुलासा हुआ कि इसके तार सीधे नाइजीरिया से जुड़े हुए हैं और इसमें कई बड़े लोगों के नाम भी हो सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम चर्चा का आगाज करेंगे। हरियाणा में नशे का कारोबार बेखौफ और बासलामत चल रहा है। पुलिस की सरपरस्ती में तस्करों का धंधा फल फूल रहा है। हेरोइन, अफीम, गांजा और नशीली दवाइयों की खेप अपने मकसद तक पहुंच रही है। तस्करी का ये माया जाल पूरे होशो हवास में किया जा रहा है लेकिन सरकार बेहोश है। गली मोहल्लों से शुरू हुए इस कारोबार का कनेक्शन अब विदेशों तक पहुँच गया है और विदेशों में बैठे तस्करों के आका अपने कुर्गों के जरिए हरियाणा में हेरोइन और ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। फतेहाबाद पुलिस की गिरफ्त में आए नाइजीरियाई तस्करों ने खुलासा करके पुलिस की भी नींदें उड़ा दी है। फतेहाबाद पुलिस की कस्टडी में पूछताछ के दौरान नाइजीरियाई तस्करों ने कबूल किया है कि उनका तस्कर किंग विदेश में बैठा है जिससे वो सप्लाई लेते हैं। तो फतेहाबाद तो हेरोइन तस्कर है, ये दिल्ली से एरिक ओजोमो इबे वोट डीजे वहाँ से सप्लाई लेके आते हैं। उसके बाद में हमने इसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया जिसमें कुछ नए तथ्य सामने आए। पकड़ा गया आरोपी अंतर्राष्ट्रीय हेरोइन सप्लायर एरिक नाइजीरिया का रहने वाला है। वो साल 2015 में भारत आया था। हरियाणा समेत कई राज्यों में हेरोइन और ड्रग सप्लाई करता है लेकिन उनका आका नाइजीरिया का किंग है जो हरियाणा में चल रहे तस्करी के कारोबार का मास्टरमाइंड है। ने शुरू में ये बताया था कि मैं किंग नाम का व्यक्ति है जो दिल्ली में रहता है और वो भी नाइजीरियन है, उससे मैं सप्लाई लेता हूँ। उसके हमने कॉन्टेक्ट नंबर का छानबीन भी की थी लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं चला। उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे, कोशिश जारी है इस संबंध में और इन्वेस्टिगेशन भी अभी हमारी। पुलिस ने नाइजीरियन हेरोइन तस्कर को 6 दिन की रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान पुलिस को तस्कर के पास 41 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, टैबलेट और हार्ड डिस्क बरामद हुए हैं। तस्कर के पास से फतेहाबाद के 30 लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस को शक है कि इनमें कई बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये विदेशी नाइजीरियन से हेरोइन लेकर ग्राहकों तक पहुंचाते थे। पुलिस जल्द ही कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। हेरोइन दिल्ली से सप्लाई होकर देश के कई हिस्सों में जाती थी। सरकार की नींद उड़ाने वाली बात यह है कि हरियाणा में तस्करों पर खाकी की मेहरबानी है। पुलिस की साठगांठ से ही धंधा फल फूल रहा है। इसी मामले में ही फतेहाबाद के कई पुलिस वालों के नाम सामने आए थे। तस्करी में शामिल 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त कर दिए गए। पुलिस वालों पर 1 लाख रुपए लेकर तस्करों को छोड़ने का आरोप है। फिलहाल 4 पुलिसकर्मी हवालात की हवा खा रहे हैं। शराब माफिया और नशा तस्करी को लेकर प्रदेश के डीजीपी तक कह चुके हैं कि ये काम बिना पुलिस वालों के संभव नहीं है। अनिल विज और एसपी संगीता कालिया के बीच सरेआम बहस हो चुकी है लेकिन ये मामला सरकार और अफसरशाही की जंग में गायब हो गया। अब हालत ये है कि विदेशों में बैठे आका अपना कारोबार बेखौफ चला रहे हैं। मुमकिन है कि इसमें अंडरवर्ल्ड के गुर्गे भी शामिल हो लेकिन सरकार को ये खबर नहीं है कि ये बीमारी कितनी बड़ी नासूर बन रही है। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो नशे के इस विदेशी कनेक्शन पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी महाराज सिंह जी स्टूडियो में मौजूद है। महाराज जी मुझे एक बात बताइए कि ये जो लोग आते हैं विदेशों से और जो ज्यादा लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ रह जाते हैं,
क्या उनको ट्रैक करने के लिए कोई व्यवस्था होती है सरकार के पास कि उनको ट्रैक करें कि वो जिस नाम पे वीजा लेके आए, मान लीजिए स्टूडेंट वीजा लेके आए, तो क्या वो पढ़ाई ही कर रहे हैं या कोई और काम तो नहीं करने लगे हैं? पहला सवाल मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे। जिस चीज का वीजा मिलता है उसके साथ साथ वो कहाँ कहाँ विजिट करेगा उसका भी उसमें हवाला होता है, ठीक। और अगर वो दूसरी जगह वहां से शिफ्ट होके जाता है तो उसकी जहाँ वो जाएगा वहाँ अपनी एंट्री कराता है कि यहाँ मैं आया हूँ, और वीजा में वो जगह होनी चाहिए। मान लो कोई दिल्ली तक आया है और उसे गुड़गांव आना है तो गुड़गांव वो नहीं आ सकता ऐसे जब तक कि उसकी एंट्री गुड़गांव की भी ना हो उसमें, ठीक है। तो वो या तो यहाँ आकर अगर चेंज कराना चाहता है तो उसका प्रोसीजर है, और वो जहाँ से चला अगर वहाँ से आया तो वहाँ से फिर उसकी डेस्टिनेशन पहले ही फिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ भी वो आएगा हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए एक बना हुआ ऑफिस, वहाँ पे एंट्री कराता है जो कंसर्न थाना उसमें एंट्री कराता है, ठीक है। ये तो है एक प्रोसीजरल जो बात है, ठीक है। उसके अलावा जिस बात पे आप कहना चाहते हैं कि कोई नाइजीरियन फतेहाबाद कैसे पहुंचा, अब ये थोड़ा सा हमारा पुलिस का हम ये कह सकते हैं कि उसने रोल ठीक अदा नहीं किया। अर्नी एक फॉरनर जब वहां पे है तो जिस पुलिस अधिकारी के सामने से वो गुजर रहा उसे चाहिए कि वो उसे चेक कर ले कि भाई इसका यहाँ पे एंट्री है या नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो एक और बात हो जाती है, या हम करें बात एनसीआर की तो एक और बात हो जाती है, लेकिन एनसीआर से बाहर वो जब जा रहा है तो वहां पे उसकी किस वजह से वहां पहुंचा है वो, इसको हमें हमारी पुलिस को देखना चाहिए, ठीक है। मैं एक बात और समझना चाह रहा हूँ कि ये विदेशी कनेक्शन कोई पहली बार सामने नहीं आया, इससे पहले भी हमने देखा है कई बार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से ऐसे विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है और उनके पास से हीरोइन या और कोई दूसरे नशे की चीजें ड्रग्स बरामद हुई हैं, और ये बहुत महंगे ड्रग्स हैं जो अभी नाइजीरिया ने पकड़ा गया, 36 ग्राम था, 2.5-3 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत है। ऐसे में ये इतना बड़ा कारोबार जो चल रहा है, क्या पुलिस को सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता है? मैं इसमें जो पुलिस को पता होने या ना पता होने की बात करूं, अगर पुलिस अलर्ट हो तो जो ये धंधे कारोबार है ये नहीं चल सकता, लेकिन अगर पुलिस अलर्ट नहीं है तो ये चलता। अभी पिछले दिनों ही महाराष्ट्र में हमारी एक पूर्व एक वो थी हीरोइन थी जो अभिनेत्री थी, उसके कनेक्शन आए थे सामने, उसके घर वाले के कनेक्शन आए थे सामने, आपको ध्यान होगा। अब जैसे अब नाइजीरियन की बात कर रहे हो आप, दिल्ली में आप जाइए इसमें जेल में, वहाँ पे बहुत जो फॉरेनर्स हैं बहुत हैं जेल में, और वो ज्यादातर उनमें से नशे वाले ही हैं, ठीक है। अब जैसे हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में अभी तो कुछ दिन पहले भी एक पकड़ा गया था, मेरे ख्याल से करनाल या कहाँ पकड़ा गया था, करनाल में युगांडा का एक आदमी पकड़ा गया था। अब इनके इंटरोगेशन के बाद इनके इंटरोगेशन रिपोर्ट को अगर परसू किया जाए तो हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल एजेंसी है उसके थ्रू वहाँ पे उस जो जिस कंट्री का वो रहने वाला है जहाँ की वो बताते हैं ओरिजिन जहाँ से है उस स्मगलिंग की हुई ड्रग का वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, और इसमें इंटरनेशनल लेवल पे एक हमारी ट्रीटी भी है उसमें ज्यादातर देश उसमें शामिल हैं और वो फिर उस पर उस तरह से वो एंटरटेन भी करते हैं, ठीक है। डॉक्टर संजय सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, और कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। संजय जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो विदेशी कनेक्शन दिख रहा है, और हमने देखा भी है कि पिछले कुछ वक्त में विदेशी जो हैं उनकी संख्या बढ़ी भी है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें से सारे वैसे ही हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह से ये विदेशी पकड़े गए हैं और खासकर ड्रग्स की सप्लाई करते हुए, ड्रग्स की तस्करी करते हुए, क्या पुलिस कभी इनको पकड़ने के बाद इसके आखिरी छोर तक पहुंचने की कोशिश करती है और जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये नेटवर्क पूरा चल कहां से रहा है? ये नशे का कारोबार बहुत ही सीरियस मैटर है जी, और चाहे वो विदेशी करें या अपने देश के लोग करें, हमारे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से कुछ इसकी स्मगलिंग इसका कुछ हुआ है, कुछ लोग पकड़ में भी आए हैं। देखिए, अगर कोई विदेशी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो आपको पता है कि इंटरनेशनल मैटर होने के कारण से बड़ा सेंसिटिव इशू ये हो जाता है, ठीक। और बड़ा सोच समझ कर इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो सरकार की तरफ से एक सेल भी एक इसके लिए अलग से बनाया गया है, जब से इस तरह की बातें आई है कि पंजाब से कुछ तस्कर हरियाणा के अंदर ऐसी कुछ तस्करी कर रहे हैं नशीली चीजों की, नशीले पदार्थों की, तब से उसके लिए ये बॉर्डर वाला एरिया जो पंजाब के साथ लगता हुआ है, इस एरिया में
जितने भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उन सब की मुख्यमंत्री जी ने अलग से भी बैठक ली, पुलिस के डीजीपी ने भी उसकी अलग से बैठक लेकर के और इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। और हमारा ऐसा मानना है, बोलिए संजय जी, कैसा मानना है संजय जी आपका, आपको आवाज मिल रही है क्या? चलिए लगता फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कैसा मानना है सेंटेंस, वो हम चाहते थे वो पूरा करें, एक बार फिर से उनको ट्राई करने की कोशिश करेंगे हम। कृष्णमूर्ति जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो विदेशी नागरिक पकड़े जा रहे हैं इस तरह से ड्रग्स की तस्करी करते हुए, तो क्या पुलिस के लिए ये और ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? क्योंकि ठीक है, आप अपने नागरिक अगर आपके कर रहे हैं तो उसमें कई बार पहचानना थोड़ा, हम ये कह सकते हैं, 1% ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन विदेशी नागरिक अगर इस तरह करें तो उसको पहचानना तो शायद आसान होना चाहिए। कृष्णमूर्ति जी, भारत सरकार के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है और कई और एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान हो सकती है जो ट्रक की स्मगलिंग करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पकड़े भी जा रहे हैं, ज्यादातर नाइजीरियन पकड़े जा रहे हैं और उनको जेल में डाला जा रहा है, बहुत से लोग जेल में हैं आज भी। तो मैं समझता हूँ कि ड्रग के मामले में जैसे आज पंजाब बर्बाद हो रहा है। नहीं, लेकिन मैं एक चीज आपसे कृष्णमूर्ति जी समझना चाह रहा हूँ, ठीक है पकड़े गए उनको जेल में डाल दिया, लेकिन क्या ये छोटी मछलियां नहीं है? क्या ये एक छोटे से मामूली से आदमी की बस की बात है, चाहे वो किसी भी देश का हो, कि वो एक देश से दूसरे देश में स्मगल करके इस तरह से ड्रग्स ले जाए और वहां पे वो चलाए? क्या ये एक आदमी के बस की बात है? क्या इसके पीछे पूरा रैकेट होता है? एक छोटी मछली को पकड़ के क्या सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं हम? हमको इस पूरे नेटवर्क का पता लगाना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक चेन है इनकी, उसको ध्वस्त करना चाहिए पुलिस को। और ऐसी भी बहुत सी जगह से आवाजें आ रही हैं, ऐसा सुना जा रहा है कि पुलिस भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, पुलिस के 4 लोग सस्पेंड भी हुए हैं इसको लेकर, जेल में भी हैं। हाँ, बहुत से लोग निश्चित तौर पर जेल में भी हैं। तो इस पे सख्ती सरकार को करनी चाहिए, ठीक है, और इनकी चेन को ध्वस्त करना चाहिए, ठीक है। अरविंद जी, ये एक आदमी के बस की बात नहीं हो सकती, क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नामों का खुलासा हो सकता है अगर इस पूरे नेटवर्क को अच्छे से खंगाला जाए तो? बिल्कुल, जो ये नशाखोरी है इसके पीछे कोई 2-4-10 आदमी नहीं हो सकते, इसके पीछे बहुत बड़ा एक माफिया तंत्र है और जिसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल होंगे। परंतु आज तक आपने भी देखा होगा कितनी बार इस तरह के लोगों को पकड़ा जाता है, 2-4 लोगों को जेल भेज दिया जाता है, परंतु क्या कभी भी सीबीआई से या और किसी विभाग से कोई जांच कराई गई कभी सरकार ने कि इसके पीछे कौन लोग हैं? कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी सरकारों ने। अगर सरकार ये पिछले जो इनका जो इनके पीछे जो जुड़े हुए बैकग्राउंड में छुपे हुए जो लोग हैं जिनके वजह से ये लोग काम कर रहे हैं उनको जांचने की कोशिश करेगी तब ये तंत्र खत्म होगा, वरना ये हमारे जो युवा हैं उनकी उनको पूरी की पूरी हमारी नस्ल को खराब कर देगा नशा। और हाँ ठीक है सर, आप रही लाइन पे। महाराज सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कैसे हो जाता है, कहां लूप होल है? कोई विदेशी नागरिक दूसरे देश से हमारे देश में आके स्मगल कर रहा है ड्रग्स, ये कहां पे लूप होल रह जाता है? क्या कहीं चेकिंग नहीं होती है? कैसे, कौन से झाड़ी से, कौन से कोने से ये हमारे देश में घुसाते हैं? उसकी 2-3 जगह मैं बताऊंगा आपको। वैसे तो हमारे यहाँ पे सीबीआई में भी एक अलग से विंग है, एक हमारे यहाँ फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी है जिससे पहले वो आते थे पार्सल्स, उनको चेक करने का तरीका भी एक वहां से करते हैं। हमारे एयरपोर्ट से आए तो उस वहां पर तरीका कुछ चेक करें। कुछ हमारे जैसे अब नेपाल से अभी तक फ्री जैसे था, बाहर से जो हमारे रूट से आते हैं ना, जो जो बगैर चेक किए हुए आते हैं, वो अभी उन्हें हम लूप होल कह सकते हैं। पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, बंगाल से अपना नेपाल से कर रहे हैं, जो इस तरह से लोग आ रहे हैं वो स्मगलिंग का काम भी करते हैं और वो यहाँ आके उनको उस तरह से वो यहाँ पे बेच रहे हैं। अब हमारा जो इंटरपोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, उसके थ्रू हम कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको जब तक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सरकार सीरियसली उसे नहीं लेती है, क्योंकि हमारे लीडर्स तो वहाँ जाके करते हैं बातें कि भाई जो हमारा ये है उसका नशाखोरी है ये बहुत बढ़ रही है,
लेकिन इसकी जो स्मगलिंग हो रही है उसमें हमारे तंत्र को और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। अब ये स्टेट्स में, पहले दिल्ली तक या जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज थे वहां तक था, अब ये छोटे छोटे जो हमारे कस्बे हैं वहां तक भी पहुंच गए हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यह रुकना होगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब लौटेंगे तो उस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या तरीका हो सकता है या क्या तरीका होना चाहिए था पुलिस का जिसके जरिए अब तक इसकी रोकथाम हो जानी चाहिए थी। छोटा सा ब्रेक। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, इंडोफिल का अवतार। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको, कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, कमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जचता है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बंगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूँ आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंद नाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। कस्टोडिया एक वंडर फंगीसाइड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा में ड्रग्स तस्करी के विदेशी कनेक्शन की, और ये विदेशी कनेक्शन हम इसलिए कह रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह के कई लोग पकड़े गए, विदेशी लोग पकड़े गए जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुई और इस चक्कर में पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया। अच्छा महाराज जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक पुलिस के हायर अथॉरिटी पे बैठे एक अधिकारी ने ये कमेंट किया, पुलिस वालों को ये एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बिना पुलिस की मिली भगत से ये नशे का काला कारोबार नहीं चल सकता है,
ये कितना आप सच मानते हैं? देखिए, इसे दो पार्टों में बांट दिया जाए। एक तो ये कि मैं कुछ लेके उनके साथ मिला हुआ हूँ, एक बात। दूसरी, मेरी नेग्लिजेंस की वजह से धंधा हो रहा है। अब जो स्मगलिंग की बात, ये 1,00,000 रुपए लेने की है, जो भी कही थी, अब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भाई पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, चार पुलिस वाले जो सस्पेंड किए गए, इसका मतलब पैसे लेके कर रहे थे वो। तो पैसे लेके वो कर रहे हैं और उन्हीं के नाक के नीचे फिर पकड़ा जा रहा है एक नाइजीरियन, तो ये तो खुलेआम ये हो गया ना कि पुलिस मिली हुई ही है। अब उन्होंने देखिए गुड़गांव छोड़ा और फतेहाबाद दिल्ली से जो 250 किलोमीटर जितना भी है उतनी दूरी पे वो है, और वहां जाकर उन्होंने अड्डा बना लिया। अब उधर से पंजाब बॉर्डर नजदीक। एक बात, क्या ये ज्यादा स्ट्रेस देने वाली बात नहीं है कि ठीक है बॉर्डर एरियाज पर अभी तक ये हो रहा था और हमने देखा उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हमें पठानकोट में जो हुआ वो हमने देखा। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अब इन्होंने देखिए अड्डे कहाँ बनाए, दिल्ली से दूर बॉर्डर के, ये नजदीक है फतेहाबाद जो पंजाब बॉर्डर, वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 25-30 किलोमीटर पे है। अब बॉर्डर के नजदीक जो एरिया है उसमें वो कर रहे हैं। अभी जो हमारी जो पुलिस भर्ती थी उसमें भी ड्रग्स के इस्तेमाल की बात आई, तो पुलिस को तो बहुत अलर्ट होने की जरूरत है हरियाणा में। उसके जो बॉर्डरिंग है वो हमारे जो जो देश की बॉर्डर है उससे भी ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि पंजाबी बीच में है। इधर दिल्ली जहाँ एयरपोर्ट है उससे ज्यादा दूर नहीं, उसके बॉर्डर पे है। तो स्मगलिंग की जब बात आ रही है तो हमें अलर्ट तो होना पड़ेगा, पुलिस को चेकिंग तो बढ़ानी ही पड़ेगी, और इसके लिए सीनियर जब तक इस बात पर स्ट्रेस नहीं डालेंगे जब तक जूनियर तो उन्हें अवॉइड करते ही रहेंगे। चलिए संजय जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। संजय जी एक बात बताइए कि पुलिस को क्या अलग से इस पर बैठ के सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जड़ें फैल रही हैं, पहले हमने देखा कि उसका कितना बुरा असर हो सकता है कि ड्रग्स तस्कर समझकर इसमें सरविंदर ने किस तरह आतंकवादियों तक की मदद कर दी, बीएसएफ के कई जवान इस शक में पकड़े गए हैं और उनके ऊपर प्रूफ भी हुआ कि वो पैसे लेके तस्करी अलाउ करते रहे हैं, और अब दिल्ली में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के साथ साथ अब फतेहाबाद जैसे जगहों पर ये लोग पहुंचने लगे, इनकी पहुंच इतनी दूर तक हो गई, तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात है ये। नहीं, ये जो कारोबार है देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, और आपको भी पता है कि जो आतंकवाद फैलाने वाले देश हैं उन देशों को अपने इस सिस्टम को चलाने के लिए, चाहे वो हथियार के सौदागर है चाहे और लोग हैं, पैसे का बहुत बड़ा खेल इस तस्करी के माध्यम से होता है, नशे की तस्करी के माध्यम से होता है। तो सरकार की तरफ से बहुत विजिलेंट होकर के इसके बारे में अनेक तरह के ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं, ऐसे सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिसमें हरियाणा सरकार ने एक अलग तरह के अधिकारी इस बात के लिए डिप्यूट किए हैं ताकि हरियाणा जहां पर अभी बहुत ज्यादा ऐसा कोई नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल का या कोई ऐसे तस्करों का है ऐसा कोई अभी तक ध्यान में नहीं आया है, कुछ लोग पकड़े गए हैं व्यक्तिगत उपयोग करते हुए विदेशी, नहीं उपयोग करते हुए नहीं पकड़े गए हैं सर, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये तस्करी करने के उद्देश्य से लाया गया था और इसमें 4 पुलिसकर्मी भी बर्खास्त हुए हैं, और जो 1,00,000 रुपए लेकर मदद करने का जिन पर आरोप है और ये पुलिसकर्मी भी जेल में है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, करनाल में पकड़े गए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज जी हमारे साथ यहाँ है, पूर्व पुलिस अधिकारी, कुछ वो देखिए जो इस्तेमाल करने के अलावा युगंडा के जो पकड़ेगा करनाल में फतेहाबाद में पकड़ेगा, तो इसे सिर्फ ये एक भी इस्तेमाल करने के लिए वो करे तो वो तो गलत है। दो जगह इस्तेमाल करने के लिए भी विदेशी नागरिकों को कहां से मिल जा रहा है? नहीं वो तो है ही, लेकिन दोनों स्मगलिंग में ही पकड़े गए हैं, वो इस्तेमाल करते नहीं पकड़े गए। जी संजय जी एक आखिरी कमेंट क्योंकि वक्त कम है, कि इसके लिए क्या सरकार को अलग से कुछ कदम उठाने की जरूरत नहीं आपको महसूस होती है? क्योंकि मैंने नहीं सुना आज तक कि कोई विदेशी नागरिक पकड़ा गया और उसके बाद जो उससे इंटरोगेशन हो उसमें कोई बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा कर दिया हो पुलिस ने। ठीक है, आपकी असल में कोई विदेशी नागरिक अगर पकड़ा जाता है तो उसमें कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इनके यहाँ पर दूतावास है कुछ और लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और सरकार को भी बड़ा सेंसिटिव तरीके से इन मामलों को डील करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई ड्रग्स तस्कर है, अगर कोई
मादक द्रव्यों की तस्करी करने में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो किसी भी देश का हो कहीं का भी उसको बख्शना नहीं चाहिए और न सरकार बख्शेगी। और हरियाणा लेवल पे तो सरकार ने ये तय किया है विशेष रूप से नशे के बारे में एक अलग से सरकार की तरफ से एक डीएसपी लेवल के अधिकारी को इस तरह की जिम्मेदारी लेकर के और जो सेंसिटिव एरिया है जो इस तरह के एरिए हैं उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा जगह पर जहां से भी इस तरह की सूचना आती है। हमारा सिंह जी फाइनल कमेंट, वक्त नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ड्रग की तस्करी है उसमें तो डीएसपी लेवल का आदमी लगा रहे हैं और जो गाय के संवर्धन की बात है उसमें डीआईजी रैंक का लगा रहे हैं तो आयोग अलग से उसके लिए बन रहा है, आयोग अलग से बन रहा है। तो जो ये सबसे बड़ा नुकसान तो कौन कर रहा है, ड्रग्स करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया महाराज, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ मैं, वक्त नहीं हमारे पास। लेकिन वक्त सरकार के पास भी नहीं है क्योंकि वक्त रहते अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो मामला बेहद संजीदा और बेहद गंभीर परिणाम दे सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।